पंचायत के अध्यक्ष जी और समस्त आपके चौधरी सम्मेलन किसानों नौजवान साथियों मेरी पहले बताओ ये दो फोटो देखो आप पंचायत के बारे में यूपी सिंह ने बताया और आप सब लोग भी ने यूनियन चैलेंज तो आप पंचायत चलाती है जो किसान संगठन चलाती है आप पंचायत चलाती है। जब दिल्ली में आंदोलन रहा तो खाप पंचायतों की मदद मिली। जब पंजाब सब हो गए उनको रोकने की कोशिश करी गई तो पूरी हरियाणा की खाप पंचायतें खड़ी हुई और उन लोगों को आगे जाने का रास्ता दिया। सरकार से मुकाबला करा। आज भी यहाँ पे किसान संगठन हो या यहाँ की व्यवस्था संभालनी हो या यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या का मामला हो या यहाँ पे दहेज प्रथा के मामले हो, जब जब भी उल्टियां बढ़ जाती है तो खाप पंचायतें आग जाती है। आज भी सरकारें आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सरकारें भूल गई कि जब आंदोलन खड़ा हुआ तो बिजली से आंदोलन खड़ा हुआ था। जब 18 रुपए से 22.5 रुपया बिजली का रेट हुआ था, 18 रुपए से 22.5 रुपए बिजली का रेट हुआ था तो यही खाप पंचायत से आ गई थी, क्योंकि खाप पंचायत के लोग सब खेती बाड़ी से करने वाले लोग हैं। कर्मों के लिए आंदोलन हुआ था। उसके बाद में सरकार ने बहुत आई, किसी ने मीटर लगाने की हिम्मत नहीं करी। मीटर लगा रहे हैं बगैर किसान की सहमति के, मीटर नहीं लगेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मीटर लगाने की पॉलिसी क्या होगी। क्या मीटर लगाने की पॉलिसी जो उत्तराखंड में इनकी सरकार है वह पॉलिसी रहेगी या हरियाणा के अंदर जो 15 रुपए हाउस पावर रेट है यहाँ पे 175 रुपए है हरियाणा वाली पॉलिसी रहेगी या जो अपने घोषणा पत्र में चुनाव के समय में दिया था कि किसान को बिजली फ्री देंगे वो पॉलिसी रहेगी। क्या पॉलिसी वो रहेगी कि हम आधा रेट करेंगे वो पॉलिसी रहेगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा इसका। वो ये दबाए जाने हैं क्षेत्र, आप पर्चे दर्ज करके आप दबाने का काम करते हो, आप किसान संगठन के लोग या जो उन पार्टी से अलग लोग आप दबाने का काम करते हो। इस क्षेत्र को आप जितना दबाओगे ये उतना ही सामने करेगा। ये क्षेत्र व्यक्त करता है, अगर आप इसको चोट करेगा ये हमला करेगा। ये सरकारें कान खोल कर सुन ले, फिर आप दबा नहीं सकते किसी को। ये किसान हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं। हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, वे बातचीत करें, हम तैयार हैं, हमारे लोग जाएंगे बातचीत करने। आप जबरदस्ती नहीं होगा ये मीटर, अगर आप जबरदस्ती करोगे कि घर में लगा जा भी मीटर उखड़ के थाने में जमा होगा ये कान खोल कर सुन ले। आप पॉलिसी बताओ कि पॉलिसी क्या है। बहुत देश में बिजली फ्री है, दिल्ली में बिजली फ्री है, आप उनकी पॉलिसी जानते हो कि 300 यूनिट फ्री करेंगे, हम किसान की बिजली फ्री करेंगे। आप मीटर लगाते हो और किस किस तरह से छापे डालने जा रहे हैं, एक कक्ष से 2 करोड़ 55 लाख रुपए का पेनल्टी उनको डाल रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है। एक पंचायत बिजली के उसमें होगी, जो जो लोग भी तरफ है ये पंचायत होगी, यहाँ पे निर्णय लेना उसका, सब लोगों ने मुकाबला होगा। कड़ा मुकाबला, जब तक एक संघर्ष सरकार से नहीं होगा सरकार दबाने का काम करेगी। अगर आप दबगे तो सरकार दबाती रहेगी, आपको खत्म करने की पॉलिसी है। ये सरकार तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, ये उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवाती है,
ये हरियाणा में जाकर जाट और नॉन जाट की राजनीति करते हैं, ये गुजरात में जाकर पटेल और नॉन पटेल की करते हैं, ये महाराष्ट्र में जाकर मराठा और नॉन मराठा की बात करते हैं। इनमें जाकर सिख समाज हमारे साथ में जुड़ा, इनमें जाकर पंजाब में सिख और हिंदू की बात करी है। इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, कैसा मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आदमी अमर होने के लिए नहीं आया, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, जमीन ने बचाई, आपकी जमीन ने छीनने का प्लान है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी ग्राम पंचायत के निर्णय है जो आपने सुनाए हैं, यहाँ पे बताइए, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण, यहाँ पे जो पेड़ लगाने हैं वो हमारी प्राथमिकता है, बड़े टोस्टर नेशन का ये हमारा प्रोग्राम है। मिलिट्री की भर्ती नहीं आ रही थी, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उनको बताया, उनका धन्यवाद भी हम देते हैं कि उन्होंने, भारत सरकार ने ये कहा कि हम 5 साल की भर्ती पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये नौजवानों के लिए है, ये भारत सरकार ने बात सुनी, जो मिलिट्री की भर्ती थी जो रुकी हुई थी उसको अगर लेकर आ रहे हैं तो हमारे जो नौजवान है वे उस पर जाने का काम करेंगे। लेकिन वे उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझा दें कि डराने का काम न करें, बातचीत से रास्ता निकाल रहे हैं। दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे, सीट पॉलिसी है, ब्राजील के अंदर जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है 3 आदमियों पर जमीन है, यहाँ पे भी वही पॉलिसी लेकर आएंगे। यहाँ पे बिजली की लाइनें लग रही है, भनेडे के लोग यहाँ पे सामने और इसमें जो बड़ी लाइनें लग रही है, कोई अपने वहां पे खंभे नहीं कटवाएगा, किसी का खंभे नहीं करेंगे जब तक पॉलिसी तय नहीं होगी। डीएम के साथ में बैठ के सामने और मुजफ्फरनगर में भी हम पॉलिसी तय करवाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में है, ये पॉलिसी में रहेगी कि किसी के खेत में खंभा कट रहा है, आप उसको 40-40 हजार 20-20 हजार रुपए दे रहे हो, कोई खैरात में उसकी जमीन जा रही है, ये नहीं होगा। अरे ये अपना आंदोलन मजबूत रखो, कोई तोड़ फोड़ की बात हम नहीं करते, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं और ये देश जुड़ेगा, आपसे जुड़ेगा। अभी हम और युद्धवीर सिंह यहाँ से चले जाएंगे, अभी आप अपनी पॉलिसी तय करना, क्योंकि कल हमारी कर्नाटक में मीटिंग है, अभी फ्लाइट है दिल्ली से, और मीटिंग करके कल शाम को फिर हम वापसी आ जाएंगे, कौन शहर में मीटिंग है, तो पूरे देश में आपको बुला जाता है, हम मीटिंग करते हैं, पूरा देश आपके साथ में है, इस पर निगाह लगी हुई है कि दिल्ली के आसपास के लोग क्या करते हैं, जो आप आवाज दोगे आपके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। भूमि अधिग्रहण वाले मामले हैं, बहुत लोग यहाँ पर आ रहे, और हम ये नहीं कर पाई जैसे समझता हूँ एक पार्टी के खिलाफ है, हम ये गलत है, हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सरकारों की गलत पॉलिसी के खिलाफ है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किसान की जमीन 60 बीघा जमीन नीलाम करने की कोशिश करी तो हम वहां पे भी गए, 7 लाख रुपए के कर्जे में 60 बीघे जमीन नीलाम की, तो हम गए उस किसान की जमीन वापसी दिलवाई, उनकी पॉलिसी खत्म करवाई। हम छत्तीसगढ़ में गए, वहां पर नया रायपुर बस रहा है, वहां पे 27 गांव की जमीन अधिग्रहण करने जा रही है, वहां पे आंदोलन चल रहा था, हम वहां पे भी गए। और हालात क्या है उत्तर प्रदेश की आप समझ लेना, लखनऊ एयरपोर्ट की जमीन, बाकी हजारों एकड़ जमीन किसान की छीनी गई, 1 रुपया मुआवजा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 1942 में ये जमीन अधिग्रहण कर ली थी, अंग्रेजी हुकूमत ने जमीन अधिग्रहण करा दिया, कोई देश में कानून नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस कानून को मान्यता है और उन किसानों की जमीन छीनी गई, 1 रुपया उनको मुआवजा नहीं है। आप भी गलत फहमी में मत रहना, यहाँ पे आंदोलन थोड़ा मजबूत है तो आप मुआवजा देते हैं, नहीं तो कह रहे हैं कि आपकी जमीन को अधिग्रहण कर ली और यहाँ पर नहीं है कुछ भी। ये एक लाइन निकलती है दिल्ली से देहरादून, उसमें बहुत गांव की जमीन जा रही, बागपत में टीकरी ये गांव है एक किस्म से, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 गुना मुआवजा मिलेगा, दूसरी जगह 4 गुना मुआवजा मिलेगा, सर्कुलेट बढ़ा नहीं। तो ये गुंडागर्दी है, सरकार पूर्ण रूप से गुंडागर्दी में है, पुलिस प्रशासन के दम पर दबाने का काम करा जा रहा है,
फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक शाहपुर बस्ती में सलीम, उसके तीन लड़के झुट्टू कहकर जेल भेज दिए गए। ये हालात और जगह भी है, तो एक का गांधी को दबाने का काम करेंगे, तो एक आंदोलन आपका जो होगा, बड़े आंदोलन की आपको तैयारी करनी है। 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर खत्म कर दिया, आप बेच कर देखना 10 साल पुराना ट्रैक्टर, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, ना बिकेगा। कौन आदमी है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर हर साल 10 साल में कोई ट्रैक्टर दे सकता है कोई? तो ये बहुत सी पॉलिसी है, इन पॉलिसी का हम विरोध करेंगे। जब तक ये पॉलिसी ठीक नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप पंचायतों का समर्थन ऐसे ही इस आंदोलन को मिलता रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी खाप पंचायत और सम्मेलनों का कि वे इस मिशन को आगे लेकर बढ़े। और ये जो भारतीय किसान यूनियन है, ये आपके बढ़ाए हुए पद दिनों पर चलने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाप पंचायत।